हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस गुलदाउदी प्लांट के बारे में। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फ्रेंड्स, और अभी विंटर में सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। तो कल मैं ये 5 प्लांट लाई हूँ फ्रेंड्स नर्सरी से, तो आप भी अभी नर्सरी से ख़रीद कर लगा सकते हैं इस प्लांट को। और इसके फूल जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स दिखने में, और फूल भी बहुत बड़ी साइज़ में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्लांट में बहुत सारे फूल पाने के लिए हमें इसकी केयर किस तरह से करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए फ्रेंड्स आप पोरस मिट्टी बनाएँ, ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी डालते ही पॉट के बॉटम से पानी निकल जाए, इस तरह की मिट्टी आपको पोरस बनानी है। पानी रुके नहीं मिट्टी में, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एक पार्ट गार्डन सोइल लें और एक पार्ट उसमें सेंट मिला लें, एक पार्ट गोबर की खाद मिला लें और फिर इस प्लांट को लगाएं, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फूल भी ढेर सारे आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें पानी जो है आप दोबारा तभी दें जब इसमें पानी एक बार देने के बाद सूख जाए मिट्टी, तो दोबारा पानी दें। और फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो इससे हर 15 दिन में गोबर की खाद आपको देना ही है। अगर आप गोबर की खाद नहीं देंगे तो इसमें फूल जो है बहुत कम आएंगे, तो ज़्यादा फूल पाने के लिए आप इसमें गोबर की खाद ज़रूर दें। इसके अलावा फुल सनलाइट का प्लांट है फ्रेंड्स ये, तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इससे ज़रूर मिले। फुल सनलाइट मिलेगी तो फ्रेंड्स इसमें फूल भी अच्छे आएंगे, और अगर धूप कम मिलेगी तो इसमें फूल भी बहुत ही कम आएंगे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसे अच्छी धूप मिले। और फ्रेंड्स, इसमें मिलीबग या फिर कोई कीड़े का अटक होता रहता है, इस प्लांट में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, तो आप इसको चेक करते रहे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। अगर कीड़ा लग जाता है तो फ्रेंड्स फूल खिल ही नहीं पाता है, कली ही रह जाती है। तो आप इसे रोज़ चेक करते रहे, देखते रहे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। और अगर इसमें कोई कीड़ा लग गया हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आपको हर 15 दिन में करना है फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे आपको करते रहना है ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें इसकी केयर करके इसमें ढेर सारे फूल आप पा सकते हैं। और आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, जब इसके फूल खिलते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स ये, और इसके फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस प्लांट की केयर कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे फूल पा सकते हैं। अगर वीडियो आप मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।